नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच रहे। आईएनएक्स केस में पी चिदम्बरम को बड़ी राहत, नहीं भेजे जाएंगे तिहाड़ जेल, जमानत के लिए निचली अदालत जाएंगे। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की सीबीआई हिरासत गुरुवार तक बढ़ा दी गई है, हालांकि उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम को अंतरिम संरक्षण के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा है और साथ ही आदेश दिया है कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा और अगर ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज करता है तो उनकी सीबीआई हिरासत गुरुवार तक बढ़ाई जाएगी। कश्मीर की लड़ाई को लेकर के यूएनएचआरसी पहुंचा भारत। अजय बिसेरिया के नेतृत्व में टीम जिनेवा रवाना। भारत सरकार के वरिष्ठ राजनयिक अजय बिसेरिया के नेतृत्व में एक टीम जिनेवा के लिए रवाना हो गई है, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर मुद्दे को लेकर के अपना पक्ष रखेगी। कश्मीर मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पहुंचा है और पाकिस्तान के इसी प्रयास को रोकने के लिए भारत का यह डेलीगेशन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश सचिव तहमीद जंजुआ और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जिनेवा में मौजूद होंगे, जो मानवाधिकार के निकाय के 42वें सत्र को संबोधित करेंगे। भारत भी पाकिस्तान के सामने कश्मीर पर अपनी कूटनीतिक लड़ाई लड़ने को तैयार है और हाल ही के दिनों में भारत के एचआरसी के प्रमुख सदस्यों से बातचीत की है। अब भारतीय रेलवे स्टेशनों पर बनाएंगे कैप्सूल होटल, बेहतरीन सुविधाओं से होंगे लैस। भारतीय रेलवे अपने स्टेशन पर पॉड होटल या कैप्सूल होटल तैयार करने की योजना बना रहा है। इसके लिए सबसे पहले मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रायल बेसिस पर अपने पॉड होटल खोलने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में मुंबई सेंट्रल रेलवे पर 3 वेटिंग रूम मौजूद होंगे, जिसके लिए पॉड होटल के लिए 2 वेटिंग रूम आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि मुंबई में सबसे पहले ही देश का पहला पॉड कैप्सूल होटल तैयार किया गया, जिसका नाम अर्बन पॉड है। इसे साल 2017 में अंधेरी में खोला गया था। इसमें 3 प्रकार के कैप्सूल रूम शामिल हैं। अयोध्या केस में राजीव धवन ने कहा, मैं साबित करने के लिए जिरह करूंगा कि वहां मस्जिद थी। अयोध्या मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 17वें दिन ही सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान की पीठ ने मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन ने कहा है कि स्वयंभू का मतलब भगवान का प्रकट होना होता है, इसको किसी खास जगह से नहीं जोड़ा जा सकता है। हम स्वयंभू और परिक्रमा के दरवाजों पर भरोसा नहीं कर सकते। राजीव धवन ने कहा है कि बाबर के विदेशी हमलावर होने का कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर तो आर्यों को लेकर भी जिरह करनी होगी। मैं साबित करने के लिए जिरह करूंगा कि वहां मस्जिद थी। राजीव धवन ने कहा है कि आप इस कानून को कैसे लागू करेंगे, क्या हमें वेदों और स्कंद पुराण को लागू करना चाहिए। राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट को धर्म न्याय साम्यता और शुद्ध विवेक व्यवस्था और कुछ यात्रियों का संक्षिप्त कॉम्प्लिकेशन दिया। मुस्लिम पक्ष के वकील सतीश धवन ने कहा है कि प्रायिकता का पूर्ण विस्तार दर्शाता है। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है केंद्र, एनडीए से अलग हो जाए नीतीश कुमार। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। सत्ताधारी दल जेडीयू का बकायदा एक पोस्टर सामने आया है, जिसमें क्यों करे विचार ठीक है तो नीतीश कुमार लिखा हुआ है। तस्वीर में नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं। जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन अटूट है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर आने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि आपदा के समय हर बार केंद्रीय टीम बिहार का दौरा करती है। नीतीश कुमार हर बार राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए केंद्र सरकार से सहायता मांगते हैं, लेकिन भारत सरकार उसका 10% भी सहायता नहीं करती। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, यह समझ नहीं आता कि इन सब के होने के बावजूद नीतीश कुमार उनके साथ कैसे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय के आगे क्या तीसरी बार भी सिंधिया ही हारेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लेकर के अभी तक गठबंधन की कमान मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों में है। जल्द ही सोनिया गांधी मध्य प्रदेश का नया अध्यक्ष चुनने वाली है। मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया ने सोनिया गांधी के 6 नाम भेज दिए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ज्योति आदित्य सिंधिया ने सोनिया गांधी से मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी कमलनाथ और दिग्विजय ने सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया था। जब मुख्यमंत्री का फैसला हो रहा था तभी कमलनाथ और दिग्विजय ने भी हाथ मिला लिया था। आज वायुसेना में शामिल किए जाएंगे 8 अपाचे हेलीकॉप्टर। आज अपाचे हेलीकॉप्टर को सैन्य परंपरा के तहत वायुसेना में शामिल किया जाएगा। साल 2016 में जिस पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने बड़ा हमला किया था, उसी पठानकोट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे की पहली स्क्वाड्रन बनाई गई है। आपको बता दें कि साल 2015 में इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। पहली खेप भारत पहुंच चुकी है, इसमें 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल है। इस अपाचे हेलीकॉप्टर की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अटैक हेलीकॉप्टर में की जाती है। प्रियंका गांधी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बड़ा हमला, कहा राजनीति से ऊपर उठे और मंदी की बात स्वीकार करें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंदी की बात स्वीकार नहीं करने को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर रविवार को हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में राजनीति से ऊपर उठने और भारत की जनता को सच बोलने की आवश्यकता है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि क्या सरकार स्वीकार करती है कि मंदी है या नहीं। वित्त मंत्री को हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में राजनीति से ऊपर उठने और भारत के लोगों को सच बोलने की जरूरत है। उन्होंने पूछा है कि इस बात को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है तो कैसे इस बड़ी समस्या को हल करेंगे जो उन्होंने खुद पैदा किया है।
परीक्षा में नकल रोकने में कामयाब रही हमारी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में पहली बार उनकी सरकार परीक्षा में नकल रोकने में कामयाब रही है। उन्होंने कहा है कि हमने परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने के लिए शिक्षकों छात्रों के बीच संवाद स्थापित कराया है। इस काम में हमें प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों का भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं के दौरान राज्य सरकार की सख्ती की वजह से 5 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। जांच में पता चला है कि इन छात्र छात्राओं का मकसद गलत तरीके से दाखिला लेने का था। परीक्षा में नकल रोकने और राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी करते हुए अगले साल होने वाले बोर्ड परीक्षा का पूरा कार्यक्रम भी पहले ही घोषित कर दिया है। मनरेगा मजदूरों को रोजाना 250 रुपए देगी मोदी सरकार। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का दायरा एक कदम और बढ़ा रही है। मोदी सरकार मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों को बेहतर रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिलाएगी। प्रशिक्षण के लिए मजदूरों को रोजाना 250 रुपए भत्ते दिए जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा में नामांकन मजदूरों को अपना स्किल डेवलपमेंट और बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए प्रशिक्षण करेगा। मनरेगा के मजदूरों को प्रशिक्षण के दौरान परिवार की आजीविका चलाने के लिए रोजाना 200 से 250 रुपए भत्ते भी दिए जाएंगे। इन मनरेगा मजदूरों को देश भर में फैले कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। कमलनाथ के मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर लगाए बड़े आरोप, सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। मध्य प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर के आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह स्वयं को प्रदेश के पावर सेक्टर के रूप में स्थापित कर कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को हाल ही में पत्र लिखकर के तबादलों और अन्य कार्यों के बारे में उन्हें लिखे गए पत्रों पर की गई कार्रवाई के बारे में जवाब भी मांगी थी। उन्होंने सभी मंत्रियों को मिलने के लिए 31 अगस्त तक समय आने का भी आदेश दिया था ताकि यह जान सके कि उनकी सिफारिश पर क्या कार्रवाई की गई है। 20 सितंबर को मिलेगा भारत को पहला फाइटर जेट रफाल, दुगनी होगी वायुसेना की ताकत। भारत को फ्रांस से पहला रफाल लड़ाकू विमान 20 सितंबर को मिलने जा रहा है। इससे भारत की वायुसेना की ताकत दुगनी होगी। जब रफाल आसमान को चीरकर गुरेजेगा तो दुश्मन का दिल दहल जाएगा। रफाल परमाणु हमले में सक्षम है। पाकिस्तान का F-16 जेट रफाल के सामने पुराना है, साथ ही यह बेहद छोटे रनवे पर उड़ने में भी सक्षम है। रफाल दुनिया का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है। रफाल आधुनिक और उत्पन्न तकनीकी से लैस है। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक 20 सितंबर को राजनाथ सिंह और BS धनोआ की मौजूदगी में रफाल जेट विमान वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। मंजिल के एक कदम और करीब पहुंचे चंद्रयान 2 मिशन। ऑर्बिट से अलग हुआ लैंडर विक्रम, चंद्रयान 2 मिशन की बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने कल 1:15 पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक अलग किया। विक्रम लैंडर 7 सितंबर को तड़के 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से 1:15 2 सितंबर 2019 को अलग हुआ है। इसरो ने 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। 4-5 सितंबर को रूस की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4-5 सितंबर को रूस का दौरा करेंगे। इस दौरान वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन करेंगे और व्लादिवोस्तोक के पूर्वी आर्थिक मंच में बैठक में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। विदेश सचिव विजय गोखले ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि यह दौरान संक्षिप्त होगा और करीबन 36 घंटे का होगा। विधानसभा चुनाव से पहले खट्टर सरकार का 10 लाख किसानों को तोहफा दिया, 4,750 करोड़ का पैकेज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान किसानों के लिए 4,750 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। इसमें से प्रदेश में 9,27,000 किसानों को फायदा होगा। खट्टर ने कहा है कि हमने किसानों के लिए कुल 5,000 करोड़ की घोषणा की है, इसमें से किसानों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि लगभग 10 लाख किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में 13 लाख किसानों के लिए पैक्स से लोन लिया था, उसमें से 8,25,000 किसानों के खाते PNA घोषित हो चुके हैं। सरकार ने साथ ही 7% ब्याज और 5% पेनाल्टी को भी माफ कर दिया है। पीएम मोदी ने गर्वी गुजरात भवन का उद्घाटन किया, बोले ये सदन मिनी गुजरात का मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुजरात सरकार के दूसरे प्रदेश भवन गर्वी गुजरात का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इसमें आधुनिक तकनीकी के साथ इको फ्रेंडली तत्वों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा है कि गर्वी गुजरात सदन गुजरात के करोड़ों जन की भावनाओं, परंपराओं और संस्कृति के अनुकूल सभी की सेवा देने के लिए तैयार है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नया सदन गुजरात में निवेश आकर्षण के लिए गुजरात के उद्योगों के लिए एक अहम सेक्टर बने, इसके लिए नई व्यवस्था की गई है। मैं विश्वास करता हूं कि इसमें गुजरात के निवेश के इच्छुक भारतीय और विदेशी निवेशकों को भी अधिक सुविधा मिलेगी। नए नियम हुए लागू, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1 सितंबर को काटे 3900 से ज्यादा वाहनों के चालान। केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन के बाद से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1 सितंबर को लगभग 3900 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे हैं। सभी चालान कोट किए गए हैं क्योंकि फिलहाल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को नगद चालान काटने की अनुमति नहीं है। असम NRC पर विदेश मंत्रालय ने कहा जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है वो स्टेटलेस नहीं, हिरासत में नहीं लिए जाएंगे। असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी में करीबन 19 लाख लोगों के नाम बाहर किए गए हैं। इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की टिप्पणी को लेकर के भारत ने कहा
है कि यह भ्रामक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि भारत सरकार ने असम के नागरिकों के हितों का ध्यान में रखते हुए 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रवीश कुमार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका जल्दी जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।